जयपुर में पुलिस कमिश्नरेट की क्राइम स्पेशल टीम ने दीपावली से पहले चाइनीज स्नैचर्स की धरपकड़ के लिए शहर में 54 ठिकानों पर दबिश देकर कई संदिग्धों को पकड़ा था। इसके बाद भी शहर में चाइनीज स्नैचिंग की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। सोमवार को शहर में कई जगहों पर चाइनीज स्नैचिंग की वारदातें सामने आई है, जिसमें लूट की वारदात की शिकार हुई महिलाओं ने चित्रकूट, मानसरोवर, मुरलीपुरा, विद्याधरनगर और मुहाना थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। चाइनीज स्नैचिंग का पहला मामला चित्रकूट थाने के इलाके में सामने आया है। यहां सेक्टर D4 में रहने वाले संजय कुमार शर्मा ने दर्ज कराया है, जिसमें बताया है कि उनकी पत्नी सीमा देवी 7 नवंबर को शाम 6:30 बजे बच्चों के साथ अक्षरधाम मंदिर से दर्शन कर वापस घर लौट रही थी। तभी चित्रकूट स्टेडियम के पास उत्तरी गेट पर बाइक सवार दो बदमाशों ने झपट्टा मारकर सोने की चैन तोड़ ली। दोनों ही बदमाशों ने काले रंग की टी शर्ट पहन रखी थी। दूसरा मामला मुरलीपुरा थाने में नागल पुलिया झोटवाड़े में रहने वाली 35 वर्षीय कृष्णा देवी ने केस दर्ज करवाया है कि वह 7 नवंबर को सीकर रोड पर अलका टावर के पास खड़ी होकर बस का इंतजार कर रही थी। तभी एक पावर बाइक पर सवार होकर दो युवक आए और झपट्टा मारकर गले से सोने की चैन तोड़कर फरार हो गए। इस दौरान कुछ राहगीरों ने बदमाश का पीछा भी किया, लेकिन बदमाश तेजी से गलियों में भाग निकले। चैन स्नैचिंग की तीसरी वारदात नया खेड़ा अंबावाड़ी में रहने वाली 73 वर्षीय कमला देवी नांगर के साथ हुई। उन्होंने विद्यानगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होंने विद्याधर नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें बताया है कि 6 नवंबर को 3:30 बजे झोटवाड़ा स्थित लता सर्किल से एक ऑटो में बैठकर अपने घर अंबावाड़ी लौट रही थी। तभी ऑटो में दो महिलाएं अपने 4 साल के बच्चे को लेकर ऑटो रिक्शा में बैठ गई। कुछ दूरी के बाद दोनों महिलाएं उल्टी होने की बात कहकर ऑटो रिक्शा में कमला देवी के दोनों साइड बैठ गई। इस बीच दोनों महिलाएं ने कमला देवी की चैन तोड़ ली। इसके बाद ऑटो चालक तेजी से ऑटो भगाते हुए ले गया। इसके बाद कमला देवी ने घर पहुंचकर परिजनों को घटना बताई, तब वे पुलिस थाने में पहुंचे। स्कूटी सही करवा कर घर लौट रही महिला की चैन लूटी। चैन स्नैचिंग की चौथी वारदात 38 वर्षीय अंजू शर्मा के साथ हुई। वह मानसरोवर से कृष्णापुरी में स्थित पार्थ सारथी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में रहती है। मानसरोवर पुलिस के अनुसार अंजू अपनी स्कूटी को सही करवा कर निर्माण नगर से अपने घर लौट रही थी। तभी घर से कुछ दूरी पर बाइक सवार दो बदमाशों ने झपट्टा मारकर गले से सोने की चैन तोड़ ली। इसके बाद बदमाश तेजी से गलियों में ओझल हो गए। वारदात के बाद अंजू ने पति के साथ मानसरोवर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। पांचवा मामला मुहाना थाने में पत्रकार कॉलोनी में रहने वाले मुकुल कुमार जैन ने दर्ज करवाया है, जिसमें बताया है कि उनकी पत्नी खाना खाने के बाद 7 नवंबर को 9:30 बजे घर के बाहर टहल रही थी। तभी बाइक पर सवार होकर आए दो बदमाशों ने झपट्टा मारकर मुकुल जैन की पत्नी के गले से सोने की चैन तोड़ ली।